हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, बल और उसके नियम यानी फोर्स एंड इट्स रोल। इससे पहले मैंने दो चैप्टर करा रखा है, मापन और इकाई यूनिट एंड मेजरमेंट, चाल दूरी और वेग, ठीक है, यानी स्पीड डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। ये दोनों चैप्टर हमारा कम्प्लीट है। आप इसको वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल है, ठीक है। आज हमारा थर्ड चैप्टर है, इससे संबंधित लगभग 80 प्रश्न हमने इसमें रखा है। चूँकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब थोड़ा कम करूँगा और आंसर बताते हुए चलूँगा। इसमें जितने भी प्रश्न है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस 80 प्रश्न को एक बार अच्छे से कम्प्लीट कर लेते हैं तो फोर्थ चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा, ठीक है। और आने वाले समय में ये सारा का सारा चैप्टर होने वाला है, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा और शक्ति, ध्वनि। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद और जो फिजिक्स के चैप्टर बचे हुए हैं वो सारा का सारा इंक्लूड रहेगा। ये सारा का सारा जो है आपका 9th क्लास के जो सिलेबस है उससे बनाया गया है और फुल्ली NCERT बेस्ड है। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। हो सके तो या तो आप इसका PDF निकाल लीजिएगा प्रिंट करवा करके। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सेम नाम से है, T10 Study। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जब आता है बल का, तो बल के बारे में हमको पता होना चाहिए कि बल आखिर होता क्या है। तो देखिए, बल का सीधा मतलब होता है किसी भी वस्तु पर अगर हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। कहने का मतलब, कोई अगर वस्तु है तो किसी भी वस्तु में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा, ठीक है। और जब अगर हम उसको धक्का देते हैं या खींचते हैं तो क्या होता है, उसमें त्वरित गति होती है। क्या होता है? त्वरित गति होती है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। यानी बल, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बल क्या है? तो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है कि बल के प्रभाव को लिखें। बल के प्रभाव से हम क्या क्या कर सकते हैं? बल के प्रभाव से किसी वस्तु को गति में लाया जा सकता है, ठीक है, या गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, या गतिशील वस्तु के दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे काम बल की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या है, बल वस्तु में क्या उत्पन्न करता है? मैंने अभी तुरंत कहा कि कोई भी वस्तु, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और जब उसको धक्का देंगे या खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, त्वरित गति होगी, ठीक होगी। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यानी बल वस्तु में क्या क्या उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। अगला है, बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो देखिए, बल का ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। या फिर आपका ऐसा भी दे सकता है किलोग्राम, यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए, बल का ऐसा मात्रक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल का व्यंजक क्या होता है। बल का व्यंजक होता है F=ma, ठीक है। यानी बल का मतलब हो गया कि बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, ठीक है। m=mass, a=acceleration, ओके। चलिए, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम इंटू, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट होता है। तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछ लें, या हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ऑप्शन में न्यूटन भी रहे। तो दोनों याद रखिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। अगला प्रश्न है, बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो मैंने CGS मात्रक फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि CGS मात्रक क्या होता है, MPS मात्रक क्या होता है, ठीक है। ये सारा का सारा बता रखा, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बल का जो CGS मात्रक होता है वो होता है डाइन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति किसका उदाहरण है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस ये प्रश्न एग्जामिनेशन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं की गति जो उदाहरण है वो किसका है, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगला है, द्रव्यमान गुना त्वरण किसका व्यंजक है? मैंने अभी तुरंत बताया, द्रव्यमान गुना त्वरण जो है या किसका व्यंजक है, बल का व्यंजक है। ये याद ही रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपका इसी से रिलेटेड बनेगा, ठीक है, तो बल का व्यंजक होता है। नेक्स्ट है, बल किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहा जाता है, जिसमें क्या हो, दिशा और परिमाण दोनों हो।
मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था सदिश राशि के बारे में, और सदिश राशि के कितने सारे चीज़ हैं वो सारा का सारा डिस्कस कराया था। अगला है बल, वह बल जो किसी वस्तु के गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, गति के विपरीत अगर कोई बल कार्य करता है तो उस बल को कहा जाता है घर्षण बल। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हम दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, तो हम आगे की ओर चल रहे हैं, लेकिन पैर के द्वारा पृथ्वी की सतह पर पीछे की ओर बल लगाया जाता है, इसी वजह से हम आगे चल पाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लेन सतह हो जहाँ पर घर्षण ना के बराबर हो, और तब हम वहाँ पर चलना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, हम स्लिप करके गिर जाते हैं, है ना। क्योंकि स्लिप करके गिरने का मतलब ही हो गया कि हम हमारा जो शरीर है वो आगे की ओर गति कर रहा था और पैर पीछे की ओर गति कर रहा था, जिसके कारण हम लोग मुँह के बल गिर पड़ते हैं। इसका मतलब है कि जो चलने के समय जो बल लगता है वह हमारी गति के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। और विपरीत दिशा में पैर के द्वारा बल लगाया जाता है पृथ्वी पर, यानी कि घर्षण बल लगाया जाता है। ओके, तो वह बल जो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। आगे, घर्षण बल कितने सतहों के बीच कार्य करता है, तो दो सतह मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, उसमें एक सतह पैर और एक सतह आप पृथ्वी को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो सतहों के बीच क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। आगे, खिलाड़ी के जूते में कील का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, कील का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके, घर्षण बल का मान बढ़ पाए और दौड़ने में आसानी हो। आगे है, चक्कों के बॉल बैरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। चक्कों में जो बॉल बैरिंग का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, घर्षण के मान को कम करने के लिए। अगर बॉल बैरिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, स्नेह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, घर्षण का वैल्यू जो होगा काफ़ी बढ़ जाएगा। आगे है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है, उसे क्या कहा जाता है, अभी केंद्र बल कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर जो मोशन करता है वह भी अभिकेंद्र बल का ही एक उदाहरण है, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 14वां प्रश्न लिखा है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस बल का उदाहरण है, अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है। चुंबक में कितने पोल होते हैं, दो पोल। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक छड़ चुंबक बनाया, इसमें ये पोल इधर और एक पोल इधर, यानी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आखिर अच्छा, एक चीज़ बताइए, पोल का मतलब क्या होता है। ये तो चुंबक है, चुंबक में तो चुंबकीय गुण होगा ही होगा, लेकिन पोल चुंबक का वह बिंदु होता है जहाँ पर चुंबकीय मान सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी भी में भी आप देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल का मतलब यह हो गया कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर पृथ्वी के संपूर्ण भाग में जो ग्रेविटी पाई जाती है, ठीक है, उससे मैक्सिमम ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो कहाँ होगा, पोल के ऊपर होगा, चाहे वह नॉर्थ हो या साउथ हो। तो जहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक में कितने पोल, दो पोल, मैंने अभी तुरंत बता दिया। एक चुंबक को मुक्त रूप से छोड़ने पर वह किस दिशा में विक्षेपित होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। कोई भी छड़ चुंबक है, अगर आप इसको धागा से बात करके लटकाइएगा तो ये मूव करने के बाद नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। जो पोल आपका नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा वह एन पोल होगा, और जो साउथ डायरेक्शन में रुकेगा वह एस पोल होगा, ठीक है। चलिए, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं सभी कणों के बीच क्या होता है, बल लगता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला अनेक बल का परिणामी बल यदि शून्य हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि शून्य होगा तो संतुलित बल, और यदि शून्य नहीं होगा तो असंतुलित बल कहलाएगा। ओके, मैं कहने का मतलब है कि कोई भी दो वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, इस पर दोनों तरफ से बल लग रहा है और दोनों तरफ से 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है, ठीक है, तो ये परिणामी बल इसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये जो वस्तु है ना तो इस साइड जाएगा और ना ही इस साइड जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल आरोपित हो रहा है, तो यहाँ पर परिणामी बल का वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो इस पर जो बल लग रहा है वह संतुलित लग रहा है। अगर वही बल का वैल्यू अलग अलग होता तो परिणामी बल शून्य नहीं होता, और अगर परिणामी बल शून्य नहीं होता तो हम उसको बोलते असंतुलित बल। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। 22वां प्रश्न है, किसी वस्तु का विराम या गति की स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, प्रथम नियम से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं तेज़ी में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसीलिए मैं तेज़ी में बताते चल रहा हूँ। तो आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो आप बताइएगा, किसी वस्तु का विराम या गति की स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है।
और न्यूटन का प्रथम नियम जो है इससे जड़त्व का परिभाषा भी मिलता है। ठीक है, फिर है बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, प्रथम नियम से ही मिलता है। और देखिए जड़त्व का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था, गैलीलियो ने ही दिया था। जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु गति में है, ठीक है, तो वह गति में ही रहना पसंद करेगी। ठीक है, और यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहना पसंद करेगी, कब तक, जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, यानी अपने स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। और इस जड़त्व को किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, और यह न्यूटन के फर्स्ट रूल से ही के हिसाब से भी मैच करता है। आगे है, न्यूटन ने किस पुस्तक में गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रिंसिपिया बुक में किया था, कब किया था, 1686 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखिए विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। ठीक है, तो किसी वस्तु में विराम की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, विराम का जड़त्व। ठीक, और गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति, गति का जड़त्व। और यदि वस्तु अपनी गति के दिशा में, किसी वस्तु में अपनी गति के दिशा में बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, दिशा का जड़त्व कहा जाता है। सभी का उदाहरण हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस में गति का जड़त्व होगा, विराम का जड़त्व होगा या दिशा का जड़त्व होगा, आप इजीली समझ जाइएगा। स्थिर वाहनों के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? देखिए, अगर स्थिर वाहन है तो उसका जो पूरा बॉडी है, यानी पूरा बॉडी जो है वह विराम की अवस्था में है। ठीक है, अब जैसे ही गाड़ी चलना चालू करता है, ठीक है, जैसे ही गाड़ी चलना चालू करता है तो होता क्या है कि गाड़ी के चलने की वजह से गाड़ी के सतह से जो शरीर का पार्ट जुड़ा होता है वह ऑटोमेटिक मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपरी पार्ट जो होता है वह विराम की अवस्था में ही होता है, जिसके वजह से क्या होता है, गाड़ी के अचानक चलने से गाड़ी के साथ साथ शरीर का निचला पार्ट तो चलने लगता है लेकिन जो संपर्क वाला पार्ट नहीं है वो पीछे की ओर भाग जाता है। तो वही होता है, इसको बोला जाता है क्या, विराम का जड़त्व। देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले की जो स्थिति है उसी का जड़त्व होगा। यदि गाड़ी रुका हुआ था और एकाएक चलना प्रारंभ किया और आदमी झुक गया तो यह हो जाएगा क्या, विराम का जड़त्व। ओके, चलिए, वही कह रहा है, स्थिर वाहन के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण, तो पहले की स्थिति क्या थी, गाड़ी रुकी हुई थी, तो रुकी हुई थी मतलब स्थिर थी, तो विराम का जड़त्व हो जाएगा। दरी पर डंडे के प्रहार से धूल झड़ जाती है, क्यों? तो देखिए, दरी है तो ये तो रुका हुआ है, अब जैसे ही इस पर हम लोग प्रहार करेंगे किसी भी चीज़ से तो ये क्या होगा, मोशन में आएगा, और मोशन में आने के कारण क्या होगा, इसके कण तो स्थिर ही थे तो कण क्या हो जाते, झड़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले की स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति विराम थी, इसीलिए क्या हो जाएगा, विराम का जड़त्व हो जाएगा। आगे, चलती हुई वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री अचानक आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? देखिए, गाड़ी क्या है, चल रही है, इसका मतलब है कि उसका पूरा बॉडी जो है पूरा का पूरा बॉडी गति में है, पूरा का पूरा बॉडी क्या, गति में, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के संपर्क में जो उस व्यक्ति का पार्ट होता है शरीर का वह गाड़ी के साथ साथ विराम की स्थिति में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो होता है वह मोशन की स्थिति में ही होता है, जिसके कारण क्या होता है कि नीचे वाला शरीर का नीचे वाला पार्ट तो रुक जाता है गाड़ी के साथ साथ, लेकिन ऊपर वाला पार्ट उस अनुपात में नहीं रुक पाता और ऊपर वाला पार्ट मोशन में ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर पहले की स्थिति क्या है, पहले की स्थिति है कि पहले गाड़ी गति में थी तो ब्रेक लगने के बाद रुकी है, तो पहले गति में थी यानी गति का जड़त्व वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो चलती हुई वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री अचानक आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसमें गति का जड़त्व पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इस तरीके से। ठीक है, वहाँ पर अक्सर कन्फ्यूज़न आता है कि किस प्रकार का जड़त्व होगा। ठीक है, तो पहले की जो स्थिति होगी, जो स्थिति पहले की स्थिति होगी उसी का जड़त्व होगा, रुका हुआ था तो विराम जड़त्व, यदि गति में था पहले, है ना, तो वह हो जाएगा गति का जड़त्व। आगे है, चलती वाहन से कूदने पर यात्री मुंह के बल क्यों गिरता है, सिंपल सी बात है, गाड़ी चल रही है यानी कि गति का जड़त्व होगा उसमें। ठीक है, और चूंकि जब कूदता है व्यक्ति तो उसका शरीर तो किस अवस्था में, गति की अवस्था में, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के सतह से उसका पैर आता है तो पैर हो गया विराम की स्थिति में और शरीर गति की स्थिति में, जिसके कारण क्या होता है, मुंह के बल गिर जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री सिक्का उछलता है तो उसके हाथ में ही क्यों गिरता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे भी पूछ लेगा कि चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री यदि सिक्का उछलता है तो सिक्का कहाँ गिरेगा, आगे पीछे या वहीं पर। तो देखिए, अगर वेग समान है, ठीक है, चलने वाली वस्तु का अगर वेग समान है तो वह सिक्का हाथ में ही गिरेगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि आप जितने वेग से किसी वाहन पर जा रहे हैं, ठीक है, जितना भी वेग से आप जा रहे हैं, तो
उस सिक्का को जब आप उछालिएगा तो उस सिक्का में सेम वेग होगा, समान वेग होगा। तो समान वेग के कारण जितना वेग आपके गाड़ी का है उतना ही वेग उस सिक्के का होगा और वो आपके हाथ में गिरेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ठीक है, और सिक्का को उछाल दिए और आपने एकाएक ब्रेक लगाया। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, सिक्का को जब उछाला था तो सिक्का में जो आपका वेग था वो तो वेग रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका जो वेग हो गया वह कम हो गया, जिसके कारण वो सिक्का क्या होगा, आपके आगे गिरेगा। ठीक है, ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी वेग से जा रहे हैं, आपने सिक्का को उछाला, सिक्का को जैसे ही उछाला और आप क्या किया, अपने वेग को बढ़ा दिया। जैसे ही आप अपने वेग को बढ़ाएंगे तो आपका तो वेग बढ़ गया लेकिन सिक्का का तो वेग वैसा ही के वैसा ही है, तो आपका वेग बढ़ जाने के कारण आप आगे चले जाइएगा और सिक्का नीचे की ओर गिर जाएगा, और यदि आपका वेग समान है तो वो सिक्का आपके हाथ में गिरेगा। तो यहाँ पर तीन सिचुएशन उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, तीनों का तीनों याद रखिएगा। तो वही कह रहा है कि चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री यदि सिक्का उछाला जाता है तो उसके हाथ में ही गिरता है, क्यों, क्योंकि गति का जड़त्व होता है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की प्रवृत्ति बनाए रखता है, तो गति की प्रवृत्ति बनाए रखने को क्या बोलेंगे, गति का जड़त्व बोलेंगे। घूमती हुई साइकिल के पहिए में लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर उड़ता है, ठीक है, कीचड़ होगा यहाँ पर, लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर की ओर उड़ता है, क्यों, तो यह उड़ता है दिशा के जड़त्व के कारण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हो करके आप क्या करते हैं, पत्थर लगा करके किसी रस्सी में और उसको चारों तरफ मूव कराते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर से पत्थर टूट गया, रस्सी टूट गया, तो ये पत्थर क्या जाएगा, ऐसे भागेगा। अगर यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा, यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा, यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा। कहने का मतलब है कि वह जिस डायरेक्शन में टूटेगा वह उसी डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, तो ये कहलाता है क्या, दिशा का जड़त्व। ठीक है, अगला है, जब पत्थर से रस्सी बांध कर चारों ओर घुमाया जाता है तो वह स्पर्शीय रूप से दूर भाग जाता है, मैंने भी तुरंत बताया, किसके कारण, दिशा के जड़त्व के कारण। आगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा बनाए रखती है उसे क्या कहा जाता है, दिशा का जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, द्वितीय नियम से। क्या है बल का व्यंजक, एफ इज इक्वल्स टू क्या है, एम इंटू ए है, ये बल का व्यंजक है। ठीक है, चलिए, बल का व्यंजक क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही, ठीक है, और किसके गुणनफल को बल कहा जाता है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। अगला है, एक न्यूटन का मान कितना होता है, तो एक न्यूटन का मान होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन जो होता है वह बल का ऐसा यूनिट होता है, बल का ऐसा यूनिट, एफ इज इक्वल्स टू आपने अभी पढ़ा एम ए होता है कि नहीं होता है, तो एफ का ऐसा मैट्रिक न्यूटन, तो एक न्यूटन, तो एक न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक एम इंटू ए हो जाएगा, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान यानी वेग, संवेग को पी से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को किससे, एम से, ठीक है, और वेग कह रहा है तो वेग वी, तो ये हो गया संवेग का व्यंजक, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, संवेग का व्यंजक पी बराबर एम वी। ठीक है, न्यूटन के किस नियम से गैलीलियो का नियम, मतलब किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है, तो मैंने पहले बताया प्रथम नियम, क्योंकि जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने, ठीक है, और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ओके, चलिए, आगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान बढ़ने पर उसके जड़त्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो जड़त्व का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जड़त्व डिपेंड ही करता है द्रव्यमान पर। आगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होने पर उसके जड़त्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो उसका जड़त्व भी घटेगा। ओके, चलिए, संवेग किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। संवेग ऐसे मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए, कैसे होता है देखते हैं। संवेग P इज इक्वल्स टू क्या होता है, M इंटू वी होता है। M, तो M जो है क्या है आपका, मास है, तो मास कैसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, इंटू वी वेग, वेग ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल करके आ गया यहाँ पर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका आ जाएगा, किसका, संवेग का यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, समय एवं बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। ठीक है, बल और समय के गुणनफल को। आगे है, आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड, क्योंकि बल और समय का गुणनफल है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और समय का ऐसा मात्रक सेकंड। न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, तो तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तृतीय नियम क्या कहता है कि मान लीजिए
कोई भी यहाँ पर वस्तु है। जैसे मान लीजिए एक नाव है, नाव पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और जैसे ही ये कूदेगा तो इसके द्वारा इस तरफ बल लगाया गया, लेकिन पैर के द्वारा इस नाव पर पीछे की ओर बल लगाया गया, तो यह व्यक्ति आगे की ओर गया और नाव पीछे की ओर गया। तो जितना क्रिया लगा रहे हैं उतना समान रूप से क्या लग रहा है, इस नाव पर प्रतिक्रिया लग रहा है। जैसे कहा नाव पीछे की ओर जा रहा है, व्यक्ति आगे की ओर जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर कह रहा है किसी वस्तु पर दिशा दिया, किसी वस्तु पर किया गया क्रिया के कारण किसी दिशा में, किस दिशा में प्रक्रिया होती है, तो विपरीत दिशा है। मैंने तुरंत बताया व्यक्ति कूदेगा इधर, लेकिन पैर के द्वारा जो बल लगेगा, विपरीत बल लगेगा नाव पर, तो नाव पीछे की ओर भागेगा, तो विपरीत दिशा में लगेगा। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जरत, ये जो आपका घर्षण बल जो होता है वह भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया का ही रूल को फॉलो करता है। क्या कह रहा है कि क्या क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होता है? बिल्कुल होता है एक साथ, क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होता है। हाँ, इसका आंसर होगा क्रिया या प्रतिक्रिया का मान कैसे बढ़ता है, मान कैसा होता है? देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो वैल्यू होता है हमेशा बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन के किस नियम में क्रिया या प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है? तृतीय नियम में किया गया है। किसी व्यक्ति का जमीन पर टहलना न्यूटन के किस नियम से संबंधित? मैंने तुरंत बताया जमीन पर टहलना तृतीय नियम से संबंधित है। अगला है रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के तृतीय रूल पर। ठीक है, आगे है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाविक का नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना किस नियम से संबंधित? मैंने भी तुरंत बताया न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। देखिए, थ्योरी एक बार आप समझ लीजिएगा ना, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वह सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने थ्योरी सेक्शंस भी स्टार्ट किया था लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं आया था, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, यदि आप लोग कहिएगा तो मैं थ्योरी फिर से स्टार्ट कर दूंगा। अगला है किसी पिंड के टक्कर से पहले का कुल संवेग तथा टक्कर के बाद के बीच के बाद के संवेग के बीच का संबंध क्या होता है? तो हमेशा बराबर होगा। किसी पिंड के टकराने से पूर्व तथा टकराने के बाद का संवेग कैसा होगा? सेम क्वेश्चन है, एक नियत रहेगा। ठीक है, बंदूक का प्रक्षेपण के सिद्धांत पर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है और थर्ड लॉ से रिलेट है। किसी वस्तु का नदी में तैरना या नाव खेना किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। और पी इज इक्वल्स टू एम पी किसका व्यंजक है? मैंने तुरंत बताया था संवेग का, संवेग कैसा है मात्रक, सी जी एस मात्रक है ना, तो सी जी एस मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है बल का सी जी एस मात्रक क्या है? तो बल का सी जी एस मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने तुरंत बता दिया बल का ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा या किलोग्राम किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह किस नियम से संबंधित है? तो प्रथम नियम से, या फिर गैलीलियो के नियम से कह सकते हैं, या फिर जड़त्व के नियम से कह सकते हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जड़त्व का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान ही होता है। और किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो द्रव्यमान तथा वेग में परिवर्तन करते हैं करके, क्योंकि संवेग का मतलब ही होता है, संवेग का मतलब क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू एम वी। ओके, तो अगर हम द्रव्यमान में चेंजिंग कर दें या वेग में चेंजिंग कर दें तो उसका संवेग बदल जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मापन न्यूटन के किस नियम से किया जाता है? तो बल का मापन ना, तो बल का मापन कैसे करेंगे? अगर आपके पास F इज इक्वल्स टू एम ए रहेगा तब तो, यानी कि मास और एक्सेलरेशन पता रहेगा तब तो आप बल का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वह किस रूल से पता चलता है, यानी व्यंजक किस रूल से पता चलता है? तो सेकंड रूल से पता चलता है ना, यानी बल न्यूटन के दूसरे नियम से क्या पता चलता है, बल का व्यंजक पता चलता है। और प्रथम नियम से बल का परिभाषा यहाँ पर माप कर रहा है यानी व्यंजक कर रहा है, तो व्यंजक जो हो जाएगा दूसरे नियम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल का टोटल 77 प्रश्न थे, ठीक है, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से सलाह देना चाहूँगा कि आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए टोटल चैप्टर वाइज, और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीटेन स्टडी से जुड़ करके क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ का भी आप प्रिंट करवा के रख लें बेहतर होगा, या आप लिख करके करें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लिखने के समय आपका 50% याद हो जाएगा और उसको यदि बार बार आप देखते रहिएगा तो आपके जहन में हमेशा रहेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चौथा चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।